हेलो दोस्तों, ये कुछ दिनों पहले हमने इस पे एयर लेयरिंग की थी, तो अब इसमें जड़ें बन चुकी हैं, अच्छे से ग्रोथ हो रही है इनकी, बहुत बढ़िया ग्रोथ हो रही है। और ये ऊपर हमने इंग्लिश रोज की बर्ड लगाई थी, ग्राफ्ट किया था पौधा, वो भी सक्सेस हो चुका है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रखी है इसकी। और ये इंग्लिश रोज नहीं है, ये देसी रोज है हमारा, और इसमें बर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है, ये देखिए। अब क्या करेंगे, हम इसको पॉट में शिफ्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी रूट बन चुकी है। तो इसकी शिफ्टिंग से पहले हम इसकी सॉइल तैयार करते हैं। इसकी सॉइल तैयार करने के लिए ये वर्मी कंपोस्ट खाद है मेरे पास, ये काफ़ी अच्छी खाद है, देख सकते हैं। बिल्कुल भी मतलब इसको कितना भी दबाओ पानी नहीं निकल रहा इसके अंदर, और ना ही ये मतलब गांठ बन रही है, इसकी बॉल बन रही है। खाद अगर अच्छी बनी है तो जैसे इसको दबाने के बाद अगर ऐसे करेंगे हल्का सा तो ये बॉल नहीं बनती, मतलब ईजी टूट जाती बहुत। और थोड़ी सी हम इसमें लेंगे कोकोपीट, ये कोकोपीट है और ये गार्डन सॉइल है, ये भी सही है, यूज्ड है, ये काफ़ी मतलब दो बार यूज़ हो चुकी है। और इसी के साथ हम लेंगे ये साफ का फंगीसाइड पाउडर, इसको भी थोड़ा ऐड करेंगे इसके अंदर, इन तीनों के अंदर। चलिए मैं इनको मिक्स कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इनको मिक्स करने से पहले ये थोड़ा ड्रेनिंग सिस्टम पे, जो ड्रेनिंग होल है उस पर हम थोड़ा सा कोकोपीट और कुछ स्टोन रख देते हैं, जिससे कि ड्रेनेज सिस्टम जो बनेगा इसका पोर्ट का वो थोड़ा अच्छा बने। ये कुछ इस तरीके से थोड़ी सी और डाल देंगे, बस। चलिए अब हम इनको तीनों को मिला देते हैं, क्योंकि कोकोपीट और खाद तो मैंने इसमें मिला दी है अभी। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेक करें, देखें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें। ये हमने पोर्ट के अंदर इसको फिल कर दिया अच्छे से। अब क्या करते हैं, हम अपने अब गुलाब की कटिंग करते हैं। और दोस्तों, कटिंग करने के लिए हम कोई भी जो तेज़ धार वाला टूल है वो उसी का यूज़ करेंगे, जैसे मेरे पास ये कटर है तो भी हम इसी से ही इसको काटेंगे। और मैं इसको सैनिटाइज़ कर चुका हूँ पहले ही से ही, तो इसको हम यहाँ से थोड़ा चिपटा के इसके कट कर लेंगे। ये थोड़ा बांधा हुआ है, इसको भी हटा देते हैं। ये देखिए अच्छे से कट चुका है, इसकी अब रस्सी खोल लेते हैं। अब देखिए कितनी बढ़िया रूट बन चुकी है इसके अंदर। अब हम इस जो एरिया यहाँ यहाँ थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर लगा लेंगे जब इसको पॉट में शिफ्ट करेंगे जब। अब देख सकते हैं काफ़ी अच्छी रूटिंग स्टार्ट हुई है, और जो हमने एयर लेयरिंग की थी वो तो सक्सेस हुई है, जो बर्डिंग की थी वो भी बहुत अच्छी है। अब देख सकते हैं इसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। और दूसरा मैंने यहाँ भी एक बर्ड लगा दी थी, मतलब एक स्टेम लगा दी थी, वो भी अभी भी ग्रीन है काफ़ी टाइम से। चलिए इसकी पॉलीथीन हटा लेते हैं, और आराम से हटानी है, कोई ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। अगर ज़्यादा तेज़ हटाएंगे तो रूट डैमेज हो सकती है इसकी। एक सेकंड में ब्लेड ले लेता हूँ, उससे ही कट करता हूँ इसको। अब देख सकते हैं कितनी अच्छी रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है इसकी, ये देखिए।
अब क्या करेंगे हम, थोड़ा सा जो फंगीसाइड पाउडर है वो इसके बॉटम में लगा देंगे, ये इधर यहाँ। कुछ इस तरीके से। चलिए अब इसको हम शिफ्ट करते हैं पोट के अंदर, अपने गमले के अंदर। और ध्यान रखना है इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना, मतलब लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगा देंगे हम इसको। और गहराई देखनी है हमें, ये कम से कम इतना तो जाना ही चाहिए, 3 से 4 इंच, ठीक है, इतना जाना चाहिए। और इसको अंदर दबाना नहीं है हमें, जहाँ तक अगर मिट्टी हटा लेंगे वहीं तक उसको लगाना है, दबाएंगे तो रूट डैमेज हो सकती है। इस तरीके से रख देंगे और आराम से ही मिट्टी रखेंगे इसके ऊपर, जो भी हल्का हल्का प्रेस करेंगे साइड से, सिर्फ बहुत हल्का हल्का। और इसको हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, अब जैसा एक बार लग गया वैसा लग गया, अगर हिला दिया तो रूट हट जाएंगी तो वो बेकार हो सकती है आपकी पूरी मेहनत जो भी है। अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, इसमें हम पानी ऐड कर देंगे दोस्तों। और ये अब कम से कम इसको हम 4 से 5 दिन तक बिल्कुल भी पानी नहीं देंगे, अभी फर्स्ट टाइम ही इसको पानी दे देंगे। और आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी, जब भी हम किसी भी पोट की रिपोर्टिंग करते हैं या नया प्लांट लगाते हैं तो डायरेक्ट उसको सनलाइट में नहीं रखना। अब जैसे मेरे साइड में यहाँ थोड़ा सा यहाँ सनलाइट अभी मॉर्निंग में बहुत हल्की आती है और इवनिंग के टाइम थोड़ी सी ही धूप आती है, तो सबसे बेस्ट है ऐसी जगह रखें जहाँ 2 या 3 घंटे की धूप आती हो, वो भी हल्की ज़्यादा तेज़ नहीं, मॉर्निंग में या इवनिंग में। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने गार्डन का ख्याल रखें।